हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज सुन अपन लोग बताने वाले हैं एस्पेक्ट रेशियो के बारे में, जो कि आईपैड में एक बहुत बड़ा इशू है जिसको अपन लोग आज रिजॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी आप रिकॉर्ड करोगे ना, उसका जो आपका स्क्रीन रेशियो होता है वो 1920x1440 होता है। तो उसको आपको 1920x1080 कैसे करना है वो बेसिकली आपको बताने वाले हैं। तो आपको ऐप स्टोर पर आना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके में डाउनलोड है तो ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी ये डाउनलोड है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा। एंड इसको की नोट को आपको ओपन करना है, क्रिएट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, चूज अ थीम पे क्लिक करना है। आपको कोई सा भी इसमें आपको कोई सा भी बेसिक आपको आउटफिट चूज कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये लेयर्स चूज कर रखा है एंड इसको मैंने डिलीट कर दिया। एंड यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके फोटो और वीडियो में जो भी आपको एडिट करना है, जिसके एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाने हैं, वो आपको करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या है कि मैंने इसको जो लिया ना, तो इसके स्क्रीन साइज से ये हट के आ रहा था, ये चीज़ समझ रहे हो। तो अपन लोगों को क्या करना है, अभी अरेंज पे क्लिक करना है एंड इसमें आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस का, उसको आपको ऑफ कर देना है। एंड जो राइट लेफ्ट जो आपको जो स्ट्रेच करने के लिए ना, उसको पूरा का पूरा स्ट्रेच कर देना है। देखो आप जैसे कि 1080 आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है हाइट, एंड विड्थ आपको 1920 यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। एंड फिर से आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड एक्सपोर्ट में आपको मूवी पे क्लिक करके आपको जो भी आपको रेशियो चाहिए 1080p या फिर 60fps, जो भी आपका डिवाइस सपोर्ट करता है उसमें आप उसको क्लिक करके यहाँ पे इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे सेव टू फाइल्स करके आपको जिस भी फोल्डर में डालना है वो आप डाल सकते हो इजीली। एंड सेव जैसे ही करोगे ये चीज़ मिल जाएगा एंड आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका डिजॉल्व हो चुका है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर में इसमें क्या डिफरेंस है। बिफोर में आपको दोनों साइड में आपको ब्लैक ब्लैक आ रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रेच कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा रिजॉल्व हो जाता है।